सब्सक्राइब कीजिए माय फैशन डायरी को, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे कोई भी अम्ब्रेला के घेरे में आप कैनवास को कैसे अटैच कर सकते हैं, यानी बुकरम को कैसे अटैच कर सकते हैं। ये मेरे अम्ब्रेला के स्कर्ट का एक भाग है, यानी फ्रंट या बैक दोनों में से एक भाग है। तो इसका जो घेरा है वो आपको मेज़र करना है। ये मेरा 3 मीटर लगभग इसका घेरा है। तो यहाँ पर हम लोग कैनवास जो अटैच करेंगे वो 3 मीटर का इतना होना चाहिए। आपको इतना मेज़र करना है कि आपका कितना है घेरा। तो यहाँ पर मैंने ये कैनवास ये स्ट्रेट कट किया हुआ है, तो ये इसकी विथ, इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच। इस तरह से ये आपको 3.5 इंच की चौड़ाई का और जितना घेरा है उतना ही लंबा इसको कट करना है। और ये पूरा कैनवास एक साथ ना आए तो आप इस दो जॉइंट इसमें जॉइन कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने एक जॉइंट दिया है, तो एक दूसरे के ऊपर रख के एक स्टिच लेनी होती है। तो इस तरह से ये जॉइंट हो जाएगा और आपकी लंबाई में इजीली आ जाएगा। तो चलिए देखिए, अभी इसके नीचे एक फैब्रिक की लेयर चाहिए, अस्तर। अस्तर ये मैंने लिया है, जितनी गहराई है हमारे अम्ब्रेला के घेरे की उतनी, और ये चौड़ाई इतनी हमें रखनी है, यानी कि दोनों साइड से सेम अलाउंस ऐड होना चाहिए, 1/2 इंच या 0.75 इंच। इस तरह से कैनवास की साइड में देखिए दोनों साइड में एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन है। तो हमें एक हिस्से को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर एक स्टिच लेनी है इसके ऊपर। यहाँ पर हम एक पूरी स्टिच लेंगे। अब जब यहाँ पर ये स्टिच लेते हैं तो आप थोड़ी बड़ी स्टिच ले सकते हैं। यहाँ पर ये कैनवास की चौड़ाई 3.5 इंच है, तो आप 4 इंच या 5 इंच भी ले सकते हैं। पर आप अगर उससे भी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इस तरह से सीधा कट करके मत लगाइए। एक कैनकेन का वीडियो था जिसमें मैंने कैनवास और कैनकेन दोनों एक साथ अटैच किया था, तो आप वहाँ पर कैनवास कैसे अटैच करते हैं वो देखिए। तो आप ज़्यादा लंबा लेना चाहते हैं तो उस तरह से लगाइए। अभी देखिए, एक साइड में मैंने ये स्टिच ले लिया यहाँ पर, और दूसरी साइड में ये खुला है। ये खुला भाग हमें अटैच करना है हमारे अम्ब्रेला के घेरे में, स्कर्ट के घेरे में। तो ये हमारा स्कर्ट, इसका घेरा, ये नीचे का। अभी ये राइट साइड है फैब्रिक का। यहाँ पर हम लोग ये जो स्ट्रिप हमने, ये पट्टी जो कैनवास की रेडी की है, इसको इस तरह से रखेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये इजीली कि हाँ, यहाँ पर हमें एक स्टिच लेनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, और जो सिलाई का मार्जिन हमने रखा है उतना हमें यहाँ पर एक स्टिच लेनी है। कैनवास के ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए। जब आप ये यहाँ पर कैनवास की पट्टी को स्टिच करते हैं तो जैसे घेरा तो हमारे अम्ब्रेला का है तो कर्व में होगा, और ये स्ट्रेट है तो ये इजीली स्टिच हो जाएगा। इसमें कुछ बड़ा नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके स्टिच लेते हुए जाइए और उस पट्टी को एडजस्ट करते हुए जाइए। तो ये यहाँ पर स्टिच करना बहुत ही ईजी है। बस यहाँ पर किसी भी तरह का खिंचाव नहीं देना है, एक फ्लो में आपको ये स्टिच करना है। यह हमारा स्टिच हो गया। अभी इसको पलट देना है दूसरी साइड में, इसको रॉन्ग साइड में पलट देंगे। यहाँ पर ये जो हिस्सा है, जो हमारा मेन फैब्रिक है, वो थोड़ा ज़्यादा रहे। ऐसा नहीं कि अस्तर वाला हिस्सा हमारे मेन फैब्रिक के साइड में दिखे, वैसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये कैनवास की पट्टी थोड़ी सी हमारी साइड में से एक्स्ट्रा है तो उसको ट्रिम कर देते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा है तो इसको ट्रिम कर देते हैं। और अभी इस, जब आप इसे पलट के स्टिच लेना शुरू करते हैं तो दोनों किनारे एग्जैक्ट मिले हुए हों, और यहाँ से आप स्टिच लेना शुरू करेंगे।
अब एक चीज़ यहाँ पर है कि स्ट्रेट है और जो स्कर्ट है हमारा वो अम्ब्रेला का है, तो यहाँ पर इस तरह से कि प्लीट्स आएंगे और ये प्लीट्स भी आपको सही तरीके से लेनी ज़रूरी है। तो जैसे शुरू के हिस्से में स्टिच लिया तो आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा कि यहाँ पर एक प्लीट्स की ज़रूरत है, और ये इसके लिए आप एक साइड जैसे राइट साइड का हाथ जो है वो आप यहाँ इस तरह से डालेंगे, तो आप कोई स्ट्रेच नहीं देना है, एकदम फ्लो में आपको बराबर कपड़े को जमाना है और ऊपर जो पट्टी है कैनवास की उसको भी यहाँ पे जमाना है, तो एक फुलाव सा आपको फील होगा कैनवास के ऊपर, वहाँ पर आपको एक प्लीट लेते हुए आगे से आगे स्टिच लेनी है। तो ये स्टिच ये कैनवास की पट्टी यहाँ पर बराबर से अटैच होगी, वरना इसमें एक झोल जैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ से हाथ से आप पहले नीचे से कपड़े को जमाइए जो स्कर्ट का हिस्सा है वो, और ये देखिए कैनवास कैनवास के ऊपर ये फुलाव सा हुआ, तो यहाँ पर आई प्लीट्स, ये बहुत छोटी सी और एकदम फ्लो से आएगी। इससे हमारा घेरा जो होता है उसमें कोई भी ना तो झोल आएगा ना कुछ भी नहीं आएगा, बस ये कैनवास बराबर तरीके से अटैच हो जाएगा। तो ऊपर की स्टिच लेते वक्त आपको यही ध्यान रखना है कि जो हमारा अम्ब्रेला का घेरा है वहाँ पर कोई भी खिंचाव ना है, बस ये प्लीट्स आएंगी कैनवास के ऊपर, कैनवास के ऊपर प्लीट्स भी इस तरह से आएगी, जो नीचे की घेराई है वो उसमें कोई त्रिकोणापन या कुछ भी ना आए, उसकी गोलाई जो है कर्व का हिस्सा है वो बराबर रहना चाहिए। एकदम स्मूथली आपको यहाँ पे स्टिच लेनी होगी। तो देखिए यहाँ पे जब आप ये प्लीट्स लेते हैं तो ये जो हिस्सा है वो इक्वल रहता है, यहाँ पर कोई ऐसे त्रिकोण की तरह से बाहर नहीं आना चाहिए, कोई भी प्लीट्स ले रहे हैं ऐसा नहीं कि घेरा ऊपर नीचे हो गया, वैसा नहीं, नीचे का घेरा बराबर रहना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी स्टिच लेके आप पूरा एंड तक आते हैं, तो देखिए एंड में ये जो हमारा कैनवास है ये पूरा हमारे यहाँ तक अटैच रहना चाहिए, जो स्कर्ट का हिस्सा है उसकी साइड की जो लाइन है वहाँ तक बराबर रहना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपको प्लीट लेनी है वो लेनी है, यानी कि ये जो पट्टी है वो पूरी यहाँ तक आ जानी चाहिए, थोड़ी सी भी बाहर है ऐसा नहीं कट कर लिया वो, नहीं, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ऐसे आपका ये जो कैनवास है वो सही तरीके से लगाया हुआ माना जाएगा। हमारा कैनवास हो गया है अटैच, अब आप इसको राइट साइड से देखेंगे तो इसमें कोई भी तरह की कोई भी खिंचाव नहीं है, कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं है, तिरछापन टाइट ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, और इसके रॉन्ग साइड में कैनवास पे आप देखेंगे छोटी छोटी प्लेट्स हैं, उनका कोई इशू नहीं है, बस हमारा फिनिशिंग आगे के हिस्से से और जो नीचे का घेरे की लाइन है वो फिनिशिंग वाली रहनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमारा कैनवास अटैच हो चुका है और यहाँ पे कोई झोल वगैरह कुछ नहीं है, और रॉन्ग साइड में देखिए प्लेट्स है सारी, तो बहुत ही इजी है यहाँ पर ये कैनवास को अटैच करना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।